अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू एच वक यूट्यूब चैनल तो आज हम अल्ताफ भाई से एक इस्लामिक सवाल करेंगे सर हमें यह बताइए कि सदका देने की शरा हैसियत क्या है जी बिस्मिल्लामी एच यूट्यूब चैनल में मैं अल्ताफ़ सेन वरक हाजिर हूँ आपको वेलकम कहता हूँ व्यूअर्स अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी ऑन किया है तो सब्सक्राइब कर लें लाइक करें शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो है फ्री ऑफ कास्ट सोशल सर्विसेज के मुतालिक खिदमत जो है अवामन्नास तक पहुँच सकें जहाँ तक आपके सवाल का तल्लुक है तो सदका के बारे में अल्लाह पाक ने कुरान पाक की सूरत उनकी आयत नंबर सत्रह में फरमाया है कि अगर तुम अल्लाह पाक को कर्ज दोगे तो वो तुम्हें दुगना करके वापस करेगा और तुम्हारे गुना माफ़ करेगा अल्लाह पाक कदरदान है और तहमुल वाला है नबी पक अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका रोज़ मैशर ठंडा साया है नबी अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस पाक में यह बयान किया गया है आप ने फरमाया कि सबसे अफज़ल सदका पानी पिलाना है नबी पक सल् वसल्लम ने एक और हदीस पाक में फ़रमाया है कि हर मुसलमान को हर रोज़ सदका करना ज़रूरी है सहाब कराम ने आप सल्लल्लाहु वसल्लम की बाहरगाह में ये अर्ज़ किया कि यार रसोल्ला सल्ला वसल्लम हम इतने मालदार नहीं हैं हम सदका नहीं कर सकते तो आप सल्ह वसम ने फ़रमाया कि सदका सिर्फ़ माल ही नहीं है बल्कि सुबहान अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह कहना भी सदका है किसी मुसलमान भाई को नेकी का रास्ता दिखाना और बुराई से रोकना भी सदका है किसी नाबीना माजूर आदमी का हाथ पकड़ के रास्ता दिखाना भी सदका है अपने अहल खाना के अपने घर वालों पर खर्च करना भी सदका है और रज के हलाल कमाना भी सदका है किस अपने मुसलमान भाई से मीठा बोल बोल देना भी सदका है खुश अखलाकी बजाते खुद सदका है इसलिए वीवर्स हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुसलमान भाइयों के लिए आसानियाँ पैदा करें उनकी मुश्किलें हल करें उन किसी मुसीबत ज़दा आदमी की मुसीबत दूर करने के लिए दौड़ना मेहनत करना तगो करना ये भी सदका है अपने भाई मुसलमान भाई को मुसीबत में देखकर परेशान होना यह भी सदका है मुसलमानों का माशरा एक दूसरे की मदद से कायम है एक दूसरे के लिए परेशान होना दुखी रहना और उसके दुख दूर करना ये भी सदका है विवज़ हमें चाहिए कि हम अपने पाक नबी हज़रत महम्मद मुस्तफ़ा वसल्लम की पाक तालीमत को अपने मुसलमान भाइयों तक पहुँचाएँ ताकि हम अमल करके अपनी आखिरवीं जिंदगी उखरत आख़रत की जो ज़िंदगी है उसको कामयाब कर सकें और दुनियावी ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा कर सकें अल्लाह ताला हमें इस्लामी अहकाम पर अमल करने की तोफ़ीक़ा फ़रमाए अल्लाह ताला हमें नबी पाक पा सल्ला वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात पर दरुद पाक हर वक़्त पढ़ने की तोफ़ीकता फ़रमाए ताला हमें आपकी इश्क नसीब अता फ़रमाए अल्लाह ताला हमें हशर के दिन आपकी शफात से बहरा मंद फरमाए अल्लाह ताला हमें आपकी तालीमत पर अमल करने की तोफ़ी अता फ़रमाए वीवर आप हमारा चैनल देखते रहें सब्सक्राइब करें आपका बहुत शुक्रिया